गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ना, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो मेरे मेकअप वाली वीडियो देख के इंस्पायर जाते हैं थोड़े बहुत भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे भी अच्छे से मेकअप नहीं आता है। मैं थोड़ा बहुत बस यूट्यूब वगैरह से सीख के ऐसे लिप अपूती कर लेती हूँ। तो अभी जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने अभी जस्ट अपनी एक वीडियो बनाई है शॉर्ट्स, वो बारबी वाली चैलेंज आ रही है ना, उसके लिए मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाई है। हाँ, थोड़ी लेट हो गई थी मैं, बट कोई ना, मैंने अभी जस्ट बनाई। तो अभी आप मेकअप देख सकते हो कितने ज़्यादा पोता हुआ है। तो आज का वीडियो किस टाइटल पे है मैं आपको बता दूँ, मैं जितने भी मेकअप वाली वीडियो लगाती हूँ ना, तो ज़्यादा लोग नहीं बट कुछ लोगों ने मुझे DM किया था कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो आज मैं उन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो आज मैंने अपने सारे मेकअप वाले, मतलब जो भी सामान प्रोडक्ट जो भी होता है मेरे पास, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे बुरे जो भी, उनमें से मैंने अपने फेवरेट 6 मेकअप प्रोडक्ट चूज़ किए हैं जो मैं आज आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगी। तो ये रहे वो 6 मेकअप प्रोडक्ट्स, देख सकते हो, अभी मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो 6 मेकअप प्रोडक्ट्स है ना, जो भी मेकअप वाले प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक, कंसीलर और क्या क्या है, लाइनर वगैरह है तो ये जो भी चीज़ है, ये पर्सनली मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग ज़रूर यूज़ करना। देखो, पहली बात तो हमें ऐसा मेकअप चाहिए होता है ना कि हम यूज़ करें तो हम भूत ना लगे। हाँ, भूत ना लगे, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी मेकअप यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के बाद मेकअप बहुत अजीब सा लगने लगता है, जैसे मेरा शायद अभी लग रहा होगा, शायद नहीं लग रहा होगा, पता नहीं क्यों। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको धीरे धीरे हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी बताऊंगी डिटेल्स में कि वो प्रोडक्ट मैंने कहाँ से परचेस किए हैं और वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं और क्यों यूज़ करने चाहिए वो प्रोडक्ट्स आपको, ठीक है। मैं बारी बारी से आपको बताती हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 6 प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये 6 प्रोडक्ट्स, तो मैं बारी बारी से इनके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँ, एक काम करती हूँ, मैं आँख बंद करके कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ, मतलब चूज़ कर लेती हूँ। तो कौन सा, ओह लिपस्टिक, देखो देखो मैंने अभी जो अप्लाई कर रखा है ना, ये वही लिपस्टिक है, ठीक है, ये देखो। तो ये लिपस्टिक मैंने ना कहाँ से लिया था, मैंने कैंटीन से ली थी, जो कैंटीन आता है ना, जो आर्मी वाली कैंटीन आती है, तो मैंने ये लिपस्टिक वहीं से ली थी। पता नहीं क्यों मुझे ये लिपस्टिक एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। एक्चुअली इसकी कहानी है ना कि जब मेरे कॉलेज में कुछ फंक्शन होने वाला था, शायद 26 जनवरी थी, जिस दिन मैंने डांस किया था, मैंने वीडियो भी लगाया था, आप लोगों को वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। तो हुआ ये था कि मैं ऐसे ही घर चली गई थी कॉलेज करने के लिए, मैंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था कि मुझे कहीं पार्टिसिपेट करना है या कुछ करना है, तो मैं ऐसे ही घर चली गई। और जाने के बाद जिस दिन मैं कॉलेज गई, मुझे उस दिन पता चला कि 26 जनवरी सेलिब्रेट होने वाला है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं डांस परफॉर्म करूँगी, क्योंकि मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं थे, मैं कुछ लेके नहीं गई थी क्योंकि सिर्फ कॉलेज करना था। तो मैं कैंटीन गई और मैं वहाँ पर बस ऐसे ही रैंडमली ढूंढ रही थी कि मुझे एक दो लिपस्टिक मिल जाए। तो ये वाली लिपस्टिक ना, मुझे पता नहीं क्यों, मैं एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गई, और ये यही कलर की मेरी साड़ी भी थी, तो ये कलर मुझे लेना था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इसे लेने के बाद मैं इसे रेगुलर यूज़ करने लगूंगी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कंपनी की बात करें तो ये कलरसेंस की कंपनी, कलरसेंस जो कंपनी आता है ना, हाँ, मेरा पहला ब्रांड, मेरा पहला लिपस्टिक, मतलब मेरा पहला ऐसा कलरसेंस का जो ब्रांड का जो लिपस्टिक है, मैंने पहली बार इस कंपनी की लिपस्टिक यूज़ की थी, यही वाली खरीदी थी मैंने। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको इसका जो टेक्स्चर है और का क्या प्राइस है, मैं अभी आपको सब बताती हूँ। ये लिपस्टिक मुझे 250 की पड़ी थी, ठीक है, 250 की लिपस्टिक पड़ी थी, ये मुझे कैंटीन से पड़ी थी, तो मुझे ये थोड़ी सस्ती मिली थी, बट अगर आप मार्केट से लोगे तो शायद आपको ये जो मार्जिन प्राइस है उसी में मिलेगी। तो अगर इसकी मैं टेक्सचर की बात करूँ तो ये देखो, थोड़ी सी गाढ़ी आती है ये, ठीक है, ये दिख रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा खाली भी हो गया क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये देखना, दिख रहा है, देखो कितना स्मूथली अप्लाई हो जाता है। और हाँ, ये है कि इसे ना सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये सूख जाएगा। तो ये ना स्मज प्रूफ है, ठीक है,
सूख जाने के बाद इसको पहले अच्छे से सुखा ले, वरना अगर मैं अभी इसे ऐसे ऐसे हाथ से करूंगी ना तो ये बिल्कुल फैल जाएगा। तो इसे हल्का सा सुखा लेने के बाद, अगर मैं इसे सुखा लेने के बाद अगर मैं इसको ब्लेंड करूंगी तो ये बिल्कुल ब्लेंड नहीं होगा, ये स्मर्ज प्रूफ है। देख लो कितने कष्ट से मैं वीडियो बनाती हूँ। देखो मेरे पास सेटअप नहीं है, बस ऐसे ही जमीन पे बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये देखो ये सूख गई है ना, ये देखो ये सूख गई है थोड़ी बहुत, अभी हल्की हल्की गीली है बट इसे ना थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा सूखने के लिए, बट ये ना ब्लेंड नहीं होती है। हाँ देखो सूख गई है, देखो ये कलर देखो, वाओ कलर अच्छी है ना, और ये ब्लेंड नहीं होती है। तो ये जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट बताया ना आपको, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी कि इसको आप जरूर ट्राई करना। इसे बहुत सारे कलर अवेलेबल है, सिर्फ ये कलर नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये कलर चाहिए था इसलिए मैंने ये कलर लिया। तो आप इसमें और भी कलर ऑप्शन देख सकते हो, बट लिपस्टिक बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड प्रोडक्ट पे। तो फिर से मैं आग बन के कोई एक रेंडम प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मतलब उठाती हूँ। अरे यार यूज करती हूँ क्यों बोलती हूँ, मैं प्रोडक्ट चूज करती हूँ। आई थिंक ये मैंने सही सोचा। तो ये कंसीलर है ब्लू हेवन का। देखो ब्लू हेवन प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ब्लू हेवन जो प्रोडक्ट है ना, सबसे बड़ी खासियत इसकी होती है ना, ये हम बहुत प्राइस रिजनेबल होती है इसकी प्राइस, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, आराम से खरीद सकते हो। और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत लोग कंसीलर पता नहीं है कंसीलर क्या होता है, तो कंसीलर वो होता है जो आपके डार्क एरिया होते हैं, जो फेस का जो भी डार्क एरिया उसको कवर करता है। अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये कंसीलर है, ये ब्लू हेवन कंसीलर है, और लिखा हुआ है कि 12 घंटे ये अच्छे से स्टे करेगा आपके फेस पे, 12 घंटे का कवरेज। मैंने अभी 12 घंटे का भी ध्यान तो नहीं दिया, लगा कि हाँ लेकिन कवरेज अच्छी है इसकी, ठीक है। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये कितने की है, ये प्राइस नहीं लिखा यार, सॉरी गाइस प्राइस नहीं पता मुझे इसका। जो भी प्राइस होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के डाल दूंगी इसकी प्राइस गूगल पे सर्च करके, ठीक है। तो ये जो कंसीलर है ना, ये वैनिला 101 इसका कलर का नाम है, नंबर है, जो भी है। अभी मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कंसीलर कैसा है। देखो ये बिल्कुल लिपस्टिक वाले बॉक्स की तरह इसकी पैकेजिंग है ना। इसको भी मैंने अच्छा खासा यूज़ कर रखा है, तो अभी ना मैं इस लिपस्टिक के ऊपर ही इसे यूज़ करती हूँ, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि इसकी कवरिंग कैसी है, कवरेज कवरिंग जो भी। देख रहे हो, अगर इसे हम 2-3 बार और अप्लाई करें तो अच्छी कवरेज देगी। बट देखो वन अप्लाई में ही ये कितनी ज्यादा कवरेज दे रही है ना। ये देखो, ये मैंने सेकंड कोट लगाया है, और ये देखो आपके सामने मैं एकदम प्रूफ दिखा रही हूँ, प्रूफ देख रहे हो यार। आपको पता होगा कि मेरे, पता नहीं पता होगा कि नहीं पता होगा, बट मुझे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, और वो डार्क सर्कल का राज पता ही क्या है, देर रात तक मोबाइल चलाना। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं मेकअप करने के समय ज़रूर यूज़ करती हूँ, वरना मेरा मेकअप ना उतना बढ़िया ब्लेंड नहीं होता है। तो अभी देख रहे हो ना मेरे डार्क सर्कल उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं यार, देखो नेचुरल है, वो दिखेंगे ही। मेकअप की एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट कोशिश करती हूँ कि छुप जाए। तो देखो बहुत ज़्यादा छिप गया है, और अभी यहाँ देख सकते हो लिपस्टिक का कलर कितना लाइट लग रहा है, देख रहे हो। और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल मतलब स्किन टोन में ब्लेंड हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगेगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको आप यूज़ करके देख सकते हो। तो अभी मैं आती हूँ अपने थर्ड प्रोडक्ट पे। देखो ये, हाँ मैं पता, ओह सॉरी, तो ये बीबी क्रीम है, ये मैंने लिया था जूडियो से। जूडियो सबको पता होगा यार, जूडियो जो हमारे बजट के हिसाब से बनाई गई है, हम गरीब है ना तो हमारे बजट के हिसाब से बनाई गई है जूडियो, ताकि हम वहाँ से परचेस कर ले। बट पता है जूडियो स्टार्टिंग में बहुत सही थी, बट अब मुझे जूडियो ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन देखो, लेकिन जूडियो के मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, लेकिन ये जूडियो का जो बीबी क्रीम है ना, मैं इसे इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ यार, पता है ये आधा खाली हो गया है, ये अभी मैंने इसे सेक कर दिया ना, इसलिए ऊपर तक आ गया है। बहुत देर तक अभी इसे रख देंगे ना तो ये पूरी यहाँ तक खाली हो गई है। मैं रोज़
मेरे हर एक वीडियो में सेम यही बीबी क्रीम आपने देखा होगा, मैं ही यही अप्लाई करती हूँ। और एक दो मेरे पास और थी, लेकिन चलो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अभी फिलहाल तो मैं रेगुलर इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी खास बात ये है ना कि ये बिल्कुल क्रीम के टेक्सचर में है। आपको अगर लाइट मेकअप करना है, और देखो हैवी मेकअप आप करते हो ना तो उसके बाद क्या होता है ना, हमारा फेस ना थोड़ा फाउंडेशन केकी हो जाता है, बट ये बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, 0-0-0, ठीक है, ये केकी बिल्कुल भी नहीं होता है, ये स्किन में बिल्कुल क्रीम की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर बाई चांस आपका स्किन बहुत ड्राई है तो प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करना, वो और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल केकी नहीं होगा। तो ये जो बीबी क्रीम है इसको मैं दिखाती हूँ आपको और मैं इसकी प्राइस बताती हूँ, ठीक है। ये मुझे 199 की पड़ी थी और ये 25 ग्राम की है और लिखा हुआ है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मतलब ये हर स्किन टाइप पे सूट कर जाएगी। और इसका कलर बहुत सही है, देखो मैं ज़्यादातर ना मेरा जो स्किन टोन है मैं उससे थोड़ा सा लाइटर नहीं लेती हूँ, थोड़ा डार्कर शेड लेती हूँ, क्योंकि लाइटर लेने पे मुझे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट फील होता है। तो ये देखो ये मेरी स्किन के हिसाब से सही है ना, ठीक है। तो अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। 199 का है और जूडियो का है, ठीक है। देखो इसको ना मैंने अच्छा खासा यूज़ कर लिया है, दिख रहा है, देखो मैं थोड़ा सा ही यूज़ करके दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है, बहुत गरीब हूँ मैं। छोड़ दो इससे नहीं, मैं हाथ से ही अप्लाई करती हूँ। देखो देख रहे हो क्रीम की तरह ये बिल्कुल इजीली ब्लेंड हो गई, और ये देखो एचडी लुक दे दिया, बताइए एचडी वाला जो लुक होता है ना, एचडी बोलते हैं जो, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कवरेज देता है जैसे आपके पोर्स उतने ज़्यादा खुल के नहीं दिखते, अच्छे से वो कवर कर लेता है। लोगों को भी ना फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, बीबी क्रीम ज़्यादा लगाते हैं या सीसी क्रीम ज़्यादा लगाते हैं, जो भी है आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अभी बच गया है मेरे पास 3 प्रोडक्ट, तो अब क्या करती हूँ ना, आग बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। तो अभी मेरे पास जो है ना ये है मस्कारा, ठीक है, ये ब्लू हेवन का लेस ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा है। देखो ये कर्ल तो करता ही है, ठीक है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ ना, आपके अगर आई लेसेस जो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे मेरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे हैं, तो ये लगाने के बाद ना ये थोड़ा सा बाउंसी लुक भी देता है, आपको बड़े लगेंगे लेसेस, बहुत सही आपके लेसेस पे बहुत सही अप्लाई होने के बाद लेसेस बड़े लगने लगते हैं, उसको क्या बोलें यार, समझ लो जो भी समझना है, ठीक है। और इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसका भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत पहले मैंने इसे करता था, अब यूज़ करती हूँ ना, डिब्बे में था वो डिब्बा मैंने फेंक दिया, बट इसका भी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, गूगल करिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका प्राइस, मुझे याद नहीं है। ब्लू हेवन का है और अभी भी मैंने वही अप्लाई कर रखा है, पता नहीं आपको अभी दिख रहा होगा कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है जो भी। तो ये मस्करा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो ये ना मेरा एक है और ये मेरा दो है, मैंने एक ख़त्म कर दिया है और ये मैंने दूसरा लिया है, मतलब इसमें भी अभी थोड़ा बहुत है बट एकदम ख़त्म है और एक है, देखो मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, मैंने दो दो लेके रखा है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको 4 प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बता दिया, ये 4 हो गए, अब मेरे पास 2 बचे हुए हैं बस। तो अभी मैंने लिपस्टिक के बारे में बता दिया ना, लिपस्टिक मैं सबसे लास्ट यूज़ करूँगी क्योंकि एक लिपस्टिक भी है, यूज़ करूँगी यार सबसे लिपस्टिक को सबसे लास्ट में, मैं उसके बारे में बताऊंगी, यूज़ फिर पता नहीं यूज़ करूँगी क्यों आ रहा है मेरे मुँह से। तो ये रहा, ये सोचो क्या है, गेस करो, पेन नहीं है, क्या है, क्या है, ये है आईलाइनर, देखो मैंने जो भी अप्लाई किया, ये भी जूडियो का आईलाइनर है, दिख रहा होगा जूडियो लिखा हुआ है, ये भी जूडियो का ही आईलाइनर है, ठीक है। ये मैंने नहीं खरीदा, ये मुझे गिफ्ट मिला है, बट अगर मैं एक मैं आपको छोटी सी मतलब एक टिप्स बता देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा आईलाइनर कैसा है। हम जब भी लाइनर लगाते हैं ना तो उसको सूखने के लिए हम थोड़ी देर आग बंद करते हैं, फिर हवा ऐसे ऐसे करते हैं, या कोई फूकता है तो सूखता है, लेकिन ये लाइनर ना मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है ना, इसे अप्लाई करने के बाद आपको सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है, अप्लाई करते करते ड्राई हो जाता है यार, जादू ये अपने आप ट्राई हो जाता है। आप अभी अप्लाई करोगे इधर अप्लाई करो, इधर आ रहे हो, इधर वाली सूख गई, ठीक है। तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ना इतना, अरे यार किधर से, सॉरी, ये देखो
ये बिल्कुल तुम निडल जैसा पतला है, तो आप आराम से अपने विंग्स अच्छे से बना सकते हो, वन विंग टू विंग जो जितने बना सकते हो इजिली अप्लाई हो जाता है। और ये देखो, देख रहे हो, अगर मैं एक फाइन लाइन क्रिएट करती हूँ, रुको, ये वाला जो लाइनर है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसको जरूर यूज करके देखना, जूडियो जाना और जूडियो से उठा लेना, कितने की होगी, मुझे लगता है ये 99 और 199 समथिंग की होगी। इसका डिटेल मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। तो अब मेरे पास बस ये आखिरी प्रोडक्ट बचा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। अगर इस लिपस्टिक की बात करें, हाँ पहली बात तो ये लिपस्टिक है, ये देखो ये लिपस्टिक है, हाँ ये लिपस्टिक है, ये भी सेम वही कंपनी की लिपस्टिक है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, कलर सेंस की लिपस्टिक है ये भी। ये मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी और ये मेरी सेकंड परचेज थी कलर सेंस की। ये मैंने ली थी जब मेरा फंक्शन था घर पे, उस समय मैंने ये लिया था। और ये मेरी अभी तक की सबसे ज़्यादा फेवरेट लिपस्टिक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना सिर्फ मेरे फेस पे नहीं, ये मैंने अपने दोस्त के पे भी अप्लाई करा था, उसका जो स्किन टाइप है मेरे से थोड़ा सा अलग है, उस पे भी ये मैच कर रहा था, मतलब ये एक ऐसा कलर है ये सारे स्किन टोन पे बहुत ज्यादा सही लगता है यार। और मैं अभी इसको ओपन करके दिखाती हूँ, देख रहे हो, हाँ तो रुको पहले मैं प्राइस बता देती हूँ, ये 400 की लिपस्टिक है, हाँ बहुत मैंने मैंने लाइफ में पहली बार इतनी महंगी लिपस्टिक खरीदी है, 400 की लिपस्टिक है, ठीक है। ये जो पिंक देख रहे हो ना, ये भी पिंक ही है बट इससे थोड़ा सा अलग शेड है ये, तो अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये देख रहे हो कलर, कलर देख रहे हो कितना इजली, देखो ये वाली जो लिपस्टिक थी ना, ये वाली, ये थोड़ी सी गाढ़ी थी, मतलब बोल सकते हो थोड़ी थिक थी, बट ये लिपस्टिक नया, ये एकदम इजी टू अप्लाई, बिल्कुल क्रीम जैसी लग जाती है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी फील होती है, लेकिन ये बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगी कि आपने कुछ अप्लाई करा है, भूल जाओगे लगा के बिल्कुल। ये देखो सेट देख रहे हो, इसको भी थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, देखो ये हल्की हल्की ड्राई हो गई है, मतलब अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुई है, बट अभी मैं अच्छे से करूंगी तो शायद ये फैल जाएगी, क्योंकि उतनी अच्छी से ड्राई नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा टाइम लग रहा है। बट ये देखो दिख रहा है, शेड इसकी बहुत अच्छी है, ये कलर आप लोग देखो, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता ही रही थी बट मैं इस कलर को भी सजेस्ट करूंगी, एक बार आप लोग ये कलर जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा अच्छा कलर है। आप गोरे हो आप सांवले हो डजेंट मैटर, ये आप पे बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैंने इसे अलग अलग स्किन टोन पे ट्राई करके देखा है पर्सनली। तो इसको जरूर खरीदना, आप लोग जरूर मुझे कमेंट करो उसके बाद कि दीदी आपने बहुत सही प्रोडक्ट बताया, मुझे बहुत पसंद आया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये 6 प्रोडक्ट्स के बारे में अभी जो बताया, ये मेरे अभी तक के फेवरेट 6 प्रोडक्ट्स थे, तो होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स मेरे सजेस्टेड प्रोडक्ट आपको पसंद आए। अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट बताई है वो आपको पसंद आई है, या आपने अप्लाई किया है तो आप पर्सनली उसे पसंद करने लगे हो, ठीक है। ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और मेरे बताए हुए प्रोडक्ट के बारे में आपकी राय क्या है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी और इससे भी बढ़िया होने वाली है, तो प्लीज़ नए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।